नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हैं हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया है। वकालत के साथ साथ एक वो समाज सेवी भी हैं और अभी उन्होंने राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का निर्माण भी करा है। भानु प्रताप जी, आपको पार्टी बनाने के बारे में क्यों और कैसे सूझा? देखिए, पार्टी बनाने के विषय में जो मेन प्रेरणा रही है वो इस देश के हालात रहे हैं। आप देखें, चारों तरफ कहीं भी शोषित, पीड़ित, दुखी समाज की, दलित समाज की, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ की, गरीब की, वंचित समाज की कहीं कोई भी आवाज़ उठा नहीं रहा है, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालात दिन प्रतिदिन इस कदर गंभीर होते चले जा रहे हैं कि गरीब को अपना जीवन जीना, अपना इज्जत बचाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इन हालातों को देखते हुए आपके पास जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो कुछ हो रहा है आप उसे बर्दाश्त करते रहें, और अगर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, और वैसे भी आप देख रहे हैं आज के हालात में कि जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीतिज्ञों की तरह सी वजह से ही हो रहा है, राजनीति के कारण ही हो रहा है, और सबसे बड़ी ताकत राजनीति में ही है। अगर कुछ भी आप समाज के लिए करना चाहें तो वो राजनीति में आके ही तरीके से कर सकते हैं। इन हालातों को देखते हुए हमने ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी बनाई। दलितों का आंदोलन हो या जरूरतमंदों की आवाज़ हो, आप हर एक आंदोलन को बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, उसका क्या रोल? नहीं, देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं समाज में काम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और राजनीतिक कार्य करता हूँ, और हम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, राजनीतिक पार्टी बनाई है जो राजनीति में पूरी तरह से उतरेगी और एक देश को, शोषित पीड़ित समाज को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि कहीं भी किसी के साथ कुछ होता है तो जहां तक भी संभव हो सके, जहां हम पहुंच सकें हमें पहुंचना है, और लोगों को जितनी भी उनकी मदद की जा सकती है वो हमें करनी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, पार्टी बनाई है तो मुझे ये काम करना है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, काशीराम साहब को फॉलो करते हैं, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि पार्टी बनाते हैं या लोग अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं तो इन सब उद्देश्यों को भूल जाते हैं, तो कहीं कुछ इस पार्टी बनाने के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं है? मैं आपकी जो शंका है उससे सहमत हूँ, लेकिन आप विश्वास रखिए कि हम पूज्य बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के जो सिद्धांत हैं, उससे हमारी पार्टी हरगिज नहीं हटेगी। किसी ने कहा नहीं था हमसे पार्टी बनाने के लिए, हमने बहुत सोच समझ के सारे हालात को देख के, और हम इस संघर्ष को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, लोगों को उनका हक दिलाएंगे, देश को एक सशक्त राजनीतिक विकल्प देंगे, तब हमने ये पार्टी बनाई है। और जहां तक रही सिद्धांतों से हटने की बात, तो वो संभव ही नहीं है। मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि आज हम में से कोई भी अगर है इस देश में शोषित, पीड़ित, दलित, बैकवर्ड या महिला, जो हमारे देश की पूरी भारत देश की जो नारियां हैं, वो अगर इस देश में मान सम्मान का जीवन जी रही हैं, उन्हें कोई अधिकार मिले हैं, तो केवल और केवल पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। मैं अगर ये कहूं कि मैं अपने शरीर की खाल की चमड़ी की जूती बनाकर भी बाबा साहब के चरणों में रख दूं तो भी कम होगा, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था रही हजारों साल से, जो नरक से बदतर जीवन इस शोषित पीड़ित समाज को भुगतना पड़ा, उस समाज के लिए मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए, उसके अधिकार दिलाने के लिए अपनी तमाम जिंदगी पूज्य बाबा साहब ने लगा दी। मैं उनके सिद्धांतों से पीछे हटने का मतलब ही नहीं है, और केवल मैं ही नहीं, हमारे साथी, हमारी पूरी पार्टी उन सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगी किसी भी कीमत पर। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से आज हर एक हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो जो जुड़ना चाहते हैं लोग, वो आप अगर लोगों आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़े? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे दो नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से कोई भी साथी अगर पार्टी से जुड़ना चाहता तो सीधे मेरे से बात कर सकता है। मेरा नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं, मेरा एक नंबर है 858-79-799-47। मैं दोबारा से इसे रिपीट करता हूँ, 858-79-799-47।
एक दूसरा नंबर है जो पार्टी का नंबर है 7840868666। मैं ये नंबर दोबारा दोहरा रहा हूँ 7840868666। तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जहाँ भी जिस जगह से होंगे वहाँ जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, उन्हें उनका नंबर देके आगे जो है उनको जोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर समय है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और आपको पार्टी से जोड़ा जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और आगे कहना चाहता हूँ कि देश में जितने भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, योग्य लोग हैं, उन सबको राजनीति में आना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, और अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर आप अच्छे होने की उम्मीद भी नहीं करें। अगर आना है राजनीति में आइए, यही रह के काम कीजिए। राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां आप देश की और समाज की सेवा कर सकते हैं। आपने देखा है राजनीति का जो हाल है, इन हालात में अगर अच्छे लोग आएंगे तो देश का बहुत भला होगा, नहीं तो बुरा तो हो ही रहा है, आप इसे तमाशा देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी अगर बहुमत से या कहीं भी अपनी सीटें लेती है तो आने वाले टाइम में उसका क्या कार्य रहेगा? सबसे पहले देखिए, बहुत सीधा सीधा कार्य है, क्योंकि हम हमारी पार्टी का नाम जैसे उससे आपको पता लग जाता है जनहित, तो जो जनहित के जो कार्य हैं, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, तो जनहित के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं, जनहित के लिए ही हम संघर्ष करेंगे, और जो भी काम है जनहित के वो करेंगे। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाएंगे। देखिए, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश की उन्नति, शिक्षा की वहां पर क्या स्थिति है उससे पता लगती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में जो बुरा हाल है, अगर हम प्राइमरी स्तर पर देखें तो बहुत बुरी हालत शिक्षा की है, विशेषकर सरकारी स्कूलों की। मैं जानता हूं कि यह सारा का सारा जो सरकारें काम कर रही हैं या करके गई हैं, उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि आम आदमी से, गरीब आदमी से शिक्षा बिल्कुल दूर हो जाए और चंद जो पैसे वाले लोग हैं उनके हाथ में शिक्षा आ जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी क्षेत्र हो, बेसिक शिक्षा हो, और चाहे यूनिवर्सिटी की शिक्षा, आप देखते हैं यूनिवर्सिटी की शिक्षा का हाल यह है कि दुनिया की जो 500 यूनिवर्सिटियां हैं टॉप की, उनमें से कहीं भी हमारा नंबर नहीं है, कहीं भी हम खड़े नहीं होते। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करना है। दूसरा जो काम हमें करना है वो जो पुलिस व्यवस्था है, इस देश की पुलिस व्यवस्था को सुधारना है। अगर जो आज की तारीख में पुलिस व्यवस्था है, इसकी जगह हम नया सिस्टम भी अगर हमें देना पड़ा तो हम वो देंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि पुलिस सिस्टम अगर सुधार दिया गया तो देश की 100 में से 70 समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके अलावा जो काम हमें करना है, बेरोजगारी इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश में आज की तारीख में लगभग 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं, और हर दिन हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं बेरोजगारी के, वो बड़े भयावह हैं, बड़े डरावने वाले हैं। तो हमारा काम ये रह गया कि कम से कम सरकारी क्षेत्र की ही अगर बात करें तो सरकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत लाखों की संख्या में जो वैकेंसी हैं वो खाली पड़ी हैं, लाखों की संख्या में खाली पड़ी हैं, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, जिन्हें भर सकते हैं, स्वीकृत हैं, जो उनके लिए कहीं किसी और परमिशन की जरूरत नहीं है। तो कम से कम जो सरकारें हैं ईमानदारी से लोगों को रोजगार देना चाहें उन्हें तो भर सकती हैं। तो हमारा ये काम रहेगा कि जो वहां पर खाली पड़ी हुई रिक्तियां हैं उनको पूरी तरह से भरा जाए। इसके अलावा लोगों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो प्रदूषण की हालत आप देख रहे हैं, और आपने आंकड़े भी देखे होंगे कि पॉल्यूशन से, प्रदूषण से हर साल 10 लाख लोग मर रहे हैं। जो भूख की समस्या है, पीडीएस सिस्टम जो सड़ चुका है, जिससे जो है नाज होते हुए भी लोगों को नहीं मिल पा रहा, हजारों लाखों टन अनाज सड़ जाता है और गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और स्थिति यह है हमारे देश में कि लगभग 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, उस स्थिति को हमें सुधारना है। इसी तरह से हमें हर क्षेत्र में काम करना है और लोगों के हित के लिए काम करना है, ताकि वास्तव में लगे कि सरकार है और सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार काम कर रही है। भानु प्रताप जी, अभी मेरठ में भी आपका एक आंदोलन चल रहा था, जो आंगनवाड़ी महिलाएं परेशान थी, जो बताती थी कि 2000-3000 रुपये उनको दिया जाता है, इस तरीके का आंदोलन पूरे देश में है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। अगर इस तरीके के कोई आंदोलन आपके सामने आते हैं तो आपकी पार्टी उनको किस तरीके का सहयोग करेगी? देखिए, हमारी पार्टी हर चीज़ की गहराई में जाके सच्चाई का पता लगा के कि हकीकत है क्या, उसके बाद जो भी जायज़ आंदोलन है
उन सभी आंदोलनों को सपोर्ट करेगी। अभी जैसे आपने आंगनवाड़ी का नाम लिया, तो आंगनवाड़ी के आंदोलन से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में 60 दिन यानी 2 महीने जो लगातार आंदोलन चला है, धरना चला है, हम उसमें पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं, हमने पूरी तरह से आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि बीजेपी मेरठ में बीजेपी के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं उनके सामने हमने सीधी बात रखी, क्योंकि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में वोट मांग रही थी इस विधानसभा चुनाव के लिए, तो उन्होंने अपना जो है घोषणा पत्र बनाया जिसे उन्हें संकल्प पत्र कहा। उस संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि 120 दिन में हम कमेटी बना के न्यायोचित मानदेय उनका तय करेंगे। तो हम उन्हीं से ये मांग कर रहे थे कि भाई न्यायोचित मांग अगर आप मानदेय हमें देना चाह रहे हैं, तो न्यायोचित सीधा सीधा है कि आज की तारीख में मिनिमम वेज जो है वो लगभग 450 रुपये प्रतिदिन है, उसके हिसाब से लगा लीजिए लगभग 15,000 रुपये पर मंथ हो जाता है। वैसे भी अगर आप देखें हम किसको नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार दे रही है, लेकिन बेटियां ही माताएं ही वही सड़क पे हैं, उनको दे क्या रहे हैं आप? आंगनवाड़ी को 4,000, मिनी आंगनवाड़ी को 2,500 और सहायिका को आप 1,500। क्या 1,500 में कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सारे के सारे नेता, सारे के सारे अधिकारी, जरा बताएं 1,500 में आज की महंगाई में घर चल जाएगा क्या? 2,500 में घर चल जाएगा? 4,000 में घर चल जाएगा? जरा इन सारे नेताओं से, इन्हीं से पूछा जाए, चल जाएगा? तो उनकी जो जायज मांग है हम उसके लिए पूरी तरह से लड़ रहे हैं और आप रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी, मैं पहले भी कह चुका हूं कई माध्यम से, मैंने कहा है आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार आंगनवाड़ियों की बात नहीं मानेगी तो सड़क पर आंदोलन होगा। सारी बहनें जो हैं देश की बेटियां वो आंदोलन करेंगी, सड़क पर आंदोलन करेंगी। इसके अलावा जो आंदोलन है शिक्षा मित्रों का, बिल्कुल जायज आंदोलन है उनका, और इसके अलावा और जो बहुत से आंदोलन हैं ये सारे के सारे जायज आंदोलन, सरकार सुनती को नहीं उनकी बात, क्या कहते सरकार को? तो हम हर वो आंदोलन जो सही है, जो लोगों के हित में है, जनहित में है, उनकी जायज मांगों के लिए है, वो आंदोलन हम उसमें साथ खड़े होंगे, उसे अपने बैनर के तले हम लड़ेंगे।